આ પંજે ઉબાળે ને એના પાણી ભી કપી જાય, પંજે ઉબાળ લે ને એના પાણી ગિરાયા અહીંયા બહાર, તે હોણ જેડા ના એના ને છીલુઆ। पानी हमने पहले अच्छी तरीके से उबाल लिया था ये देचके में, उसके बाद फिर हमने इसमें पंजे डाले, एक दो और उबाले दिलवा लिए, तो माशाल्लाह से हमारे पंजे सही तरीके से उबल गए। अभी हम इसकी जो है छिलड़े वो उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से नए साल का आगाज हो चुका है और आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत ज्यादा मुबारक हो। मेरी दुआ है कि इस नए साल में आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें। जो भी कोई परेशान हो अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हों अल्लाह पाक सबको औलादे नरीना से नवाजे, आमीन सुमामीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। अभी हम आ गए बाहर, सर्दी थोड़ी सी कम होगी इधर बाहर वाले किचन में। आज हम बनाएंगे ये मुर्गी के पंजे, ये देखें। माशाल्लाह हमारी सब्जी भी बहुत ज्यादा प्यारी हुई हुई है, और ये मुर्गा हमें आज गिफ्ट मिला है, हमारे पास आ गया। फातिमा, फातिमा भी खड़ी हुई है, अम्मी बना रही है जी मसाला। आज क्या बनाना है? आज कुकड़ी के पंजे, कुकड़ी के पंजे बनाने। हाँ जी, आज माशाल्लाह से साल का पहला दिन भी है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। हमारे घर वाले वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो हमने कहा आज ये बना लेते हैं। फातिमा ने आज नए कपड़े पहने हुए। फातिमा आंटी को दिखाओ अपने कपड़े, फातिमा पीछे छुप रही है, नए कपड़े पहने ना इसीलिए। सामने आकर दिखाओ ना फातिमा, इधर आओ, थोड़ी नाराज हो। तो जी अभी मैं जलाती हूँ आग, अम्मी जी मसाला बना रही है, फिर हम अपना सालन बनाएंगे। ये लकड़ियां मैं ले आई हूँ, थालियां भी लेकर आई हूँ। इससे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी आग जल गई है, थापियों से मैंने जलाई है। तो जी माशाल्लाह से अभी हमने मसाला बना लिया। मसाले में है हमारे प्याज, टमाटर, अदरक और ये लहसुन, ये सब्ज धनिया है। तो ये साथ में पड़े हुए मुर्गी के पंजे, ये हमने छील तो लिए, लेकिन अम्मी जी ने इनको हाफ हाफ करना है, आधे आधे सही लगते हैं। ये बड़े बड़े बनाए ना फिर सही गलते नहीं है, इसीलिए मैं मसाला लेकर चलती हूँ और पोनी लगाती हूँ, तब तक अम्मी जी ये काट लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये बाल्टी में पानी मैं लूंगी, जिससे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मसाला धो रहे हैं। अम्मी जी ये दूसरा मसाला अलग कर लें, लहसुन अदरक और टमाटर, पानी और पा ये हम कूट कर डालेंगे। मसाला कुटदी पई है, थूम अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में अम्मी जी मसाला कूट रही है, मैं देचके में प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अम्मी जी कहती हैं कि पंजों में घी थोड़ा सा कम डालना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी बहुत चिकनाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देज का हमने ऊपर चढ़ा दिया है। मसाला काटते ना तो और मैं टमाटर कट दी गई। तो जी माशाल्लाह से अम्मी जी ने मसाला कूट लिया था, अभी उसमें टमाटर काट रही हैं। अभी हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बस थोड़े थोड़े कटने ना।
गाल जाते हैं आपे सही हो जाते। माशाल्लाह से प्याज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अभी हम इसमें डालते हैं मसाला, लहसुन अदरक सब्ज मिर्च और टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप अम्मी जी इसमें डाल दिए लाल मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सब्ज में डाली है तो लाल हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि सब्ज बहुत ज्यादा कड़वी होती है। फातिमा दे दो। इसके बाद है जी नमक। मैं साथ में ही लाती रहती हूँ और हल्दी भी डाले। फातिमा दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी भुनी होगी बिल्कुल तैयार। अभी हम इसमें डालते हैं पंजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको अच्छी तरीके से हिलाकर मिक्स कर लेते हैं। और अम्मी एक हमारी सिस्टर हैं, वो पूछती हैं कि हलवे की रेसिपी बता दें, गजरेले का हलवा। अच्छा पोतरा हो गाजर ले आंदियां, पहले उन्होंने धोता, धोते तो मुड़ उन्होंने कटिया बिल्ली काजते, बिल्ली काजते कटते, लेकिन जेड़े बर्तन पकावना होया ना मुड़ उस बर्तन च पाया, ते मुड़ उतू ना उन्होंने थोड़ा सारा पानी लगावना है। जितनिया ही होवन वेख लिया भी पानी इतना लगता या इतना नहीं लगता, पानी पाते मुड़ उन्होंने थोड़ा जिस नरम गरम हो जावन, ज्यादा गरम ना आवन भावे उबाला भी ना आवे। अगर दुध दे सिर ते गजरोला पकदा, दुध पाइए ज्यादा तो पानी ना पाइए, जे पानी पाइए दुध थोड़ा आवे तो मुड़ पानी पाइए। इस तरह सिस्टर अगर आपको नहीं समझ आया तो सुबह हम इंशाल्लाह वीडियो बना कर भी आपको दिखा देंगे। पिछली वीडियो में हमने सही तरह डिटेल से नहीं बताया था। माशाल्लाह से अब मैं काट रही हूँ सब्ज धनिया। तो जी माशाल्लाह से आज के जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत सारी बहनें भाई हमें नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ये साल आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारे लिए भी। तो अभी जो दुआ के लिए कमेंट है वो हम पढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले एक हमारी प्यारी सी और अच्छी सी सिस्टर है, उनका नाम है उल्फत शुएब। वो कह रही है मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाजे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है साइना। वो कह रही है दुआ में याद रखना। जी जरूर सिस्टर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है हानिया रहमान। वो कह रही है मेरा जरूर नाम लेना अपनी वीडियो में। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है जी, वो कह रही है दुआ करना, मैं आपका हर व्लॉग देखती हूँ। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे पेपर्स है, दुआ कीजिए मेरे पेपर्स अच्छे हो जाए, अल्लाह पाक उनको अच्छे नंबरों से पास करे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी अम्मी का नाम यास्मीन है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और हज करवाए, आमीन। अल्लाह पाक सबको अपने दर पर बुलाए और हमको भी बुलाए, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मैं बहरीन से हूँ और आपकी वीडियो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है जी, बल्कि ये हमारी सिस्टर कह रही है मैं बहरीन से हूँ और मेरी कोई परेशानी है, मसला है, अल्लाह पाक उसको हल फरमाए, आमीन सुमामीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है रोजी। वो कह रही है मेरी तबीयत खराब है, फातिमा से दुआ करवाइएगा, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमामीन। तो उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है इकरा सिस्टर। वो कह रही है मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे, आमीन सुमामीन।
उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम है फातिमा फारूक। वो कह रही है मेरी अम्मी नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद एक और हमारे भाई हैं, उनका नाम है एहतशाम। वो कह रहे हैं मेरी दादी बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद एंड पर एक और हमारी सिस्टर है, उनका नाम है मीरब फातिमा। वो कह रही है मेरे अबू को अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह से आज के जो हमारे कुछ कमेंट थे, और एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर है वो कह रही है फातिमा से मेरे लिए सलाम करवाना, उनका नाम कलसूम सिस्टर है। तो फातिमा आप उनका नाम लेकर आंटी को सलाम करो, बल्कि ईमान फातिमा, वो हमारी सिस्टर कहती है फातिमा को ईमान फातिमा कहा करो। चलो भाई फातिमा सलाम करो आंटी को, ऐसे करो फातिमा को फातिमा, और सॉरी सॉरी भाई सॉरी ईमान फातिमा कहूंगी। तो अब आप आंटी को सलाम करो, ऐसे करो को आंटी, आंटी कलसूम मेरा सारा प्यार आपके लिए, ऐसे बोलो। होता है फातिमा ऐसा ना किया करो, फिर आंटी नाराज हो जाएगी आपसे। सलाम नहीं अम्मा, सलाम कर। चलो भाई सलाम कर दो, नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरी वाला सलाम करो। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हैं। तो अम्मी जी को भी हमारी बहुत सारी बहनें सलाम कहती हैं, तो अम्मी जी उनका आप जवाब दीजिए। वालेकुम सलाम, तुहानू भी मुबारक है नवे साल की। हाँ अल्लाह पाक सारेयां नूं खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक सानू ही खुश रखे। हाँ जी आमीन सुमामी। तो अभी हम सब के लिए इकट्ठा दुआ करते हैं, बहुत सारी हमारी बहने और भाई ये भी कमेंट करते हैं कि हमारा घर नहीं है, हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। तो अल्लाह पाक हर एक को अपना घर दे, आमीन सुमामी। चलो फातिमा सब के लिए अभी इकट्ठा दुआ करें, सीधी होके बैठो, ऐसे करो हाथ, या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता, और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं फातिमा, आमीन बोलो। ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें आमीन, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना, और हर बे औलाद को औलादे नरीना देना, आमीन सुमामीन। चलो फातिमा और अम्मी जी ऐसे कर ले हाथ। तो अम्मी जी सालन हो गया कि नहीं हमारा बेटा? पानी घना डालिया है तो हाली नहीं सुखिया, हाली सालन बड़ी देर है। अच्छा जी, जो हमारे पंजे थे ना उसमें हमने काफी सारा पानी डाला है, क्योंकि वो गल जाएंगे ना अच्छी तरीके से, उसकी एक तरह की यखनी बन जाएगी, वो फिर बंदा शोरबा पी भी सकता है। तो आज की हमारी वीडियो फिर यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज फातिमा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।